हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय गौरव पर्यावरण एवं एनवायरनमेंट के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी मिश्रोई पुरस्कार, पीताम्बर पथ राष्ट्रीय पुरस्कार। और आपको आंसर कमेंट करने के लिए कुछ सेकेंड्स का टाइम देते हैं, तो फटाफट आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, अमृता देवी मिश्रोई पुरस्कार, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? और आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। इसका मुख्य जानवर बारहसिंघा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो हमें आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इसका सही आंसर है बी, जलवाष्प। दोस्तों जलवाष्प सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है जो कि आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस का प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं नीलगिरी, दिहांग, दिबांग, नोकरेक तथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, नीलगिरी। शेर की पूंछ वाला मकाक पश्चिम घाटों में पाया जाता है। यह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है और यह दुर्लभ प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है? आपके ऑप्शंस हैं काई, धुआं, ब्रोफाइटा तथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, काई। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक काई है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो इसे एक लाइक करिए और कमेंट समय करते जाइए आपके आंसर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं जनसंख्या दिवस, हिंदी दिवस, बाल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फ्रेंड्स आई थिंक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है तो सभी को पता होगा, तो फटाफट कमेंट करिए। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं बिलियर्ड्स, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, तो फटाफट हमें कमेंट्स करिए। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, क्रिकेट। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संबंधित हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं महिला दिवस, बाल दिवस, जनसंख्या दिवस और हिंदी दिवस।
फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़न परी किसको कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं पीटी उषा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और करण बेदी। इसका सही आंसर है ए, पीटी उषा। उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जनसंख्या दिवस, हिंदी दिवस, बाल दिवस और भाषा दिवस। इसका सही आंसर है बी, हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है सी, 3। चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं। पहला आग्नेय शैल, दूसरा अवसादी शैल और तीसरा रूपांतरित या कायांतरित शैल। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है डी, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही भारत के सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ए, दिल्ली। जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए फ्रेंड्स, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं भोपाल, नागपुर, मैसूर और लखनऊ। इसका सही आंसर है बी, नागपुर। महाराष्ट्र के शहर नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं वेनिस, रोम, जिनेवा और पेरिस। इसका सही आंसर है बी, रोम। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय रोम में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? आपके ऑप्शंस हैं 1986 में, 1982 में, 1984 में और 1988 में। इसका सही आंसर है ए, 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 18 नवंबर को, 24 दिसंबर को, 22 नवंबर को और 26 नवंबर को। इसका सही आंसर है डी, 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं हीरा, सोना, चांदी और लोहा। का सही आंसर है ए, हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वह हीरा का है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 8 जून, 10 जुलाई, 5 जून, 5 जनवरी। गाइस, आंसर मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि यह आंसर सभी को पता होगा, तो फटाफट कमेंट करिए। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बस कमेंट करना है, तो आप सही आंसर चूज़ करके हमें कमेंट करिए। देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और लिथियम।
इसका सही आंसर है बी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।